तो हम यहाँ पे हमने मूवी देख ली और हम पूछेंगे अपनी ऑडियंस से कि आपको मूवी कैसी लगी। तो मैम आपको मूवी कैसी लगी? मूवी बहुत अच्छी थी और मुझे बहुत मजा आया देखने में, और ये फैमिली टाइप की मूवी है और सबको इसे देख सकता है। अच्छा मैम आप? फॉर मी द फर्स्ट वन वाज द बेस्ट मूवी एंड सेकंड वन भी ठीक है, लाइक आयुष्मान इज वन ऑफ माय फेवरेट, बट एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी एज कम्पेयर टू फर्स्ट, बट फर्स्ट वाली ज्यादा अच्छी थी। तो आपको पहली वाली ज्यादा बेटर लगी? यहाँ पे ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पे आयुष्मान खुराना जैसे पूरी लड़की बन गए, पहले तो सिर्फ आवाज थी, पूरी लड़की बन गए, तो उनको देखने में मजा आया कि भाई लड़की ऐसी में होती है? सारी अच्छी होती है। ऐसे सही लगा पूरे टाइम ऐसे हंसी खुशी वाला माहौल। वापस देखना होना तो आप आएंगी? जी बिल्कुल आएंगे। मैं तो नहीं आऊंगी। आप नहीं आओगे? चलो आपको पहला वाला पार्ट ज्यादा अच्छा लगा। ओके थैंक यू सो मच आपके रिव्यूज के लिए। थैंक यू। क्या और लोगों से पूछते हैं कि मूवी कैसी लगी थी, क्योंकि मैं भी इसके बाद अपना रिव्यू दूंगा। तो भाई कैसी लगी यार मूवी? बढ़िया भाई, मूवी बहुत बढ़िया है और इसमें कॉमेडी थोड़ी ज्यादा है पहले वाले से, स्टोरी लाइन कम है, कॉमेडी थोड़ी ज्यादा है, लेकिन मूवी दोनों ही अच्छी है। अच्छा भाई आप बताओ यार, आप साथ में हो, तीनों के तीनों है ना, तो कैसे लगी मूवी? बहुत बढ़िया थी। आयुष्मान खुराना ने बहुत अच्छी रोल प्ले किए हैं, खास के लेडीज का रोल बहुत अच्छा है, तो बहुत बढ़िया है। ड्रीम गर्ल 1 भी अच्छा रहा और ड्रीम गर्ल 2 भी बेहतर है। बहुत लोग कॉमेडी कर रहे थे, बहुत अंदर हंसी हो रही थी। अच्छा तो यार भाई मेरे को ये बताओ, जैसे इसमें ना आयुष्मान खुराना पूरा लड़की बना है, अगर वैसी लड़की आपको मिल जाए तो आप अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? या नहीं मेरे साथ धोखा करके भाग जाऊंगा उस लड़की को। यही है तो तुम बताओ यार, मतलब कि ऐसी लड़कियां जो होती हैं, ठीक है, एक तरह से धोखा ही कर रहे हैं वहाँ पे वो, ठीक है, तो अगर ऐसा तुम्हारे साथ कोई कर दे तो कैसा लगेगा? भाई बदला लेंगे हम तो, साफ साफ बोल। चलो यार बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है, रिव्यू देने के लिए थैंक यू। तो यहाँ पे और लोगों से पूछते हैं, भाई आपको मूवी कैसी लगी? हमने सबसे पूछा भाई मूवी एकदम बेकार थी, पैसे की बिल्कुल वेस्ट। पहले वाला पार्ट एकदम बढ़िया था, दूसरे वाला एकदम खराब है। तो दूसरे वाले में आपको मजा नहीं आया? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं आया, एकदम वेस्ट था। तो अगर वापस से आना होगा, किसी को रिकमेंड करना होगा तो नहीं करोगे? भाई कोई मत आओ, बेकार मूवी है। अरे भाई आपको ये मूवी तो ठीक थी, क्योंकि वो लोन उतारने के लिए उसने लड़की बन गया, तो यार लोन उतारने, अरे कहना क्या चाहते हो, के लिए कोई भी लड़की बन सकता है कि पैसा, उसने खाली पैसे को दिखाया है। अच्छा तो आप बन जाओगे? नहीं हम, मैं नहीं बनूंगा, मतलब कि जिस उसकी कंडीशन इस तरीके से आई होगी कि वो बन गया भैया, और बाकी कॉमेडी इसमें ज्यादा कॉमेडियन दिखाया हुआ है पूरा। भाई भाई कैसे लगी यार मूवी? भाई आईफोन देख के मजा आ गया। अरे मजा आ गया, तो पहले वाला पार्ट ज्यादा अच्छा था? ये वाला भाई, ये वाला किसमें एक्सपेक्टेशन पूरी कर रखी है उसने। अच्छा अगर आपको मूवी बढ़िया लगी, अगर वापस आओ देने के लिए तो आ सकते हो? भाई बिल्कुल बिल्कुल आ सकते हो। चलो यार बहुत बहुत थैंक यू आपके रिव्यू के लिए, ठीक है, अब जा सकते हैं। तुम्हारे साथ और लोग जुड़ चुके हैं, उनसे पूछेंगे कि उन्हें मूवी कैसी लगी, कैसे अभी तक थोड़ा मिक्स रिएक्शन था, कुछ को पसंद आई कुछ को पसंद नहीं आई। तो मैम आप लोगों को मूवी कैसी लगी? आयुष्मान की जो एक्टिंग थी वो तो मेरे को बहुत अच्छी लगी, पहले के मुकाबले उसने और अच्छी की है, तो मतलब मूवी वैसे ठीक है, इतनी भी खास नहीं है, देख सकता है, मतलब वन टाइम वॉच है। हाँ, वन टाइम। और मैम यहाँ पे जो पहले तो बढ़िया था, सब कुछ बढ़िया चल रही थी, नुसरत भरूचा थी उसमें, ठीक है, आई होप नाम से ही लग रहा हूँ मैं, अब अनन्या पांडे आ गई है, जिनको बोलते हैं लोग कि उनको एक्टिंग नहीं आती है, नेपोटिज्म एंड ऑल ओवर करके, उनका परफॉर्मेंस कैसा लगा आपको? मुझे ऐसे ही लगा कि उनको अनन्या पांडे को जबरदस्ती घुसाया गया है। तो आयुष्मान खुराना उसकी एक्टिंग अच्छी लगी, और बाकी जो मूवी है मुझे पहले जैसी ही लगी। ऐसे नहीं लगा अगर अनन्या पांडे की जगह आयुष्मान खुद ही लड़की का कर लेता एक और डबल रोल तो ज्यादा अच्छा लगता? ज्यादा अच्छा, तो ज्यादा कॉमेडी अच्छा होता। और बाकी जो इसमें एक्टर्स हैं, ठीक है, जिनकी कॉमिक टाइमिंग के हिसाब से हम बात कर ले, बहुत सारे जो पहले वाले पार्ट में भी थे, ठीक है, पहले वाली मूवी आपने देखी होगी, पहले वाले पार्ट में भी थे, वो भी सब इधर आ गए, तो उनके परफॉर्मेंस भी आपको बढ़िया लगा उस चीज में? ठीक था, मतलब इतना भी खास नहीं, बट ठीक था। अच्छा वो जमी हुई है कि इतना भी खास नहीं था, पहला वाला पार्ट ज्यादा अच्छा था आपके लिए, ठीक है, आपके लिए भी पहला वाला पार्ट ज्यादा अच्छा था, पहले वाला ज्यादा अच्छा था। तो अब अगर वन टाइम वॉच है या फिर आप वापस आ सकते हो या रिकमेंड कर सकते हो? वन टाइम वॉच है मेरे हिसाब से, तो आपके लिए वन टाइम वॉच है। वन टाइम वॉच है, ठीक है, थैंक यू सो मच मैम आपके लिए, आप जा सकती हैं, थैंक यू। तो ये रहा हमारा पब्लिक रिव्यू, ठीक है, अब इसमें है, अब इसके बाद मेरा एक पर्सनल रिव्यू भी आएगा मूवी रिव्यू के बारे में, उसमें आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि मूवी कैसी है, देखा जा सकता है क्या, उसमें अच्छी चीजें हैं क्या, उसमें बुरी चीजें। तो यार इतना ही था, बने रहिएगा वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में।